श्रीमती सरोज पांडे, मेरे पास सब नाम है, मिस सरोज पांडे, सॉरी जी, नो राजनीति प्लीज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया, मैं आपको साधुवाद देती हूँ। माननीय सभापति जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं और पिछले कुछ वर्षों में मुझे लगता है कि महिलाएं बेहद सशक्त हुई हैं। महिलाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम तो वैसे भी बार बार अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं इस बात के लिए साधुवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने शुरुआत की। मैं इस पर राजनीति नहीं कर रही हूं, मेरी बात को गंभीरता से सुनिए। इस देश में जब बच्ची पैदा होती थी, ये पुरातन समय से शुरुआत हुई, अगर बिटिया घर में पैदा हुई तो कई ऐसे प्रदेश थे जहां पर बिटिया को पैदा होने के पहले मार दिया जाता था, या बिटिया अगर पैदा हो गई तो उस बिटिया को पैदा होने के बाद खत्म कर दिया जाता था। और ये शुरुआत हुई, अनुपात बिगड़ा, और ये अनुपात बिगड़ने के कारण परिस्थितियां बहुत भयानक होने लगी। देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाइए भी बेटी को पढ़ाइए भी। और जब ये शुरुआत हुई, आज वो अनुपात आप देखिए, ये अनुपात आज सुधरा है। मैं आपको इसलिए इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देती हूँ। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे मन को पीड़ा देती हैं, और महिला कभी राजनीति की वस्तु नहीं होती है। मैं इस सदन में उपस्थित थी, मुझे वो दिन भी याद है जिसमें हमारे 3 तलाक का मुद्दा था। इस सदन में लोगों ने जिन विषयों को रखा, 3 तलाक, जो लोग पीड़ित थे उस बहन से पूछिए 3 तलाक शब्द से वो कितनी भयभीत होती थी। और राजनीति के तुष्टीकरण के कारण, तुष्टीकरण की राजनीति ने हर बार उनको मरने के लिए मजबूर किया। 3 तलाक का मुद्दा आज ऐसा मुद्दा कि इस सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ताकत के साथ में शुरुआत करी। माननीय सभापति जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, मुझे लगता है कि आपका संरक्षण तो हम लोगों को हमेशा मिलता है, लेकिन मुझे विशेष तौर पर आज मिलना चाहिए। मैं इस बात को भी जरूर कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर राजनीति करने के लिए जब शुरुआत होती है तो हम लोगों को पीछे ढकेल दिया जाता है, या राजनीति प्रदेशों की बात की जाती है, लेकिन अगर कुछ अच्छा हुआ है तो सरकार को भी आपको साधुवाद देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार ने राजनीतिक तौर पर अगर आरक्षण की बात कही तो सरकार, अदरवाइज विल मूव हेड। सॉफ्ट करिए।